नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बीकानेर महानगर द्वारा राजस्थान के गौवंश में फैल रही गंभीर लंपी महामारी में राज्य सरकार की अनदेखी के विषय में जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी कन्हैयालाल आचार्य ने बताया कि 3 माह से राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के गौवंश में एक भयानक चर्म रोग लंपी फैला हुआ है, जिसने हर आयु नस्ल के गौवंश को अपनी चपेट में ले रखा है। इस रोग से उनके शरीर में गांठें हो रही हैं तथा पशु बुखार से ग्रसित होकर तड़प तड़प कर काल का ग्रास बन रहा है। शरीर में हुई गांठों के फूटने से वहां घाव बन रहा है तथा उसमें से रक्त व मवाद बहने लगता है। साथ ही पशुओं में कीड़े पड़ रहे हैं, जिससे भी बड़ी संख्या में गौमाता व नंदी मर रहे हैं। प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक कोई विशेष व गंभीर कदम इस भीषण आपदा व महामारी से निपटने हेतु नहीं उठाए गए हैं। राजकीय पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ व सुविधाओं, आवश्यक दवाइयों की भयंकर कमी के कारण गौवंश का समुचित उपचार नहीं हो रहा है। बजरंग दल विभाग संयोजक ने दुर्गा सिंह शेखावत ने बताया कि साथ ही मृत गौवंश के उचित निस्तारण की कोई ठोस प्रशासकीय व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण खुले में पड़े उनके शवों को कुत्ते आदि जानवर नोच रहे हैं तथा सड़ांध से मनुष्यों में बीमारियां फैलने की भयंकर आशंका हो रही है। राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों में गंभीर रूप की महामारी के रूप में गौवंश पर एक संकट आन खड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में राजस्थान के हर जिलों में गौवंश रोजाना मर रहे हैं। उसके बावजूद तो सरकार और प्रशासन की जो उदासीनता है वो इस स्थिति को और ज़्यादा भयावह बना रही है। अभी आपने पीछे देखा था कि भास्कर में अखबार में एक फोटो छपी, तो उस कलेक्टर महोदय ने उसका खंडन किया, ना कि ये स्वीकार किया कि हाँ ये ऐसा काम हो रहा है और हम इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और गौवंश के जो शरीर है उनका भी निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ये अन्य जानवरों में भी एक ये बीमारी फैल सकती है, क्योंकि कुत्ते हैं वो उनका भक्षण करते हैं, अन्य जो पशु है चाहे वो गिद्ध हो चाहे कोई और हो वो उनका भक्षण करते हैं, तो उनके भीड़ के माध्यम से और के माध्यम से ये सब एक व्यापक महामारी के रूप में। और सरकार पूर्ण रूप से उदासीन है, कहीं भी कोई भी सरकार की तरफ से रेस्क्यू सेंटर नहीं खोले गए हैं और जो भी सेवा हो रही है वो प्राइवेट लोगों के जो सामाजिक संस्थाएं उनके माध्यम से और हम सब लोग आपस में मिलकर के समाज आपस में मिलकर के सहयोग कर रहा है। सरकार की उदासीनता के विरोध में हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार चेते और इसको महामारी का रूप में ले लें, उसको इसकी घोषणा करें। और जो मात्र 30 करोड़ सेस इतने बड़े स्तर पर सेस आता है गौ सेस के रूप में और केवल 30 करोड़ रुपये जो लंबी महामारी के रूप में है उसमें तो दवाई भी नहीं मिल पा रही है। और जो गौवंश जो खत्म हुआ है, जो बेचारे जो निजी डेयरी संचालक थे उनका जो चौपट धंधा चौपट हो गया है, उनको भी सहायता प्रदान करें, इस वजह से हम आए हैं और सरकार को चेताने के लिए कि वो उनको महामारी के रूप में इसको घोषित करें, अन्यथा फिर समाज के साथ मिलकर के जो भी आंदोलन का स्वरूप होगा करना पड़ेगा, तो हम निश्चित तौर से करेंगे, उसके लिए सरकार को ये प्रशासन से करवा रहा है।